आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनोज और दोस्तों आज इस वीडियो में आपको टेना और ई के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ। टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ मैंने बहुत सारा टाइम ले लिया टिप्स एंड ट्रिक्स को जानने के लिए, रिसर्च बहुत सारे सर्च किए, तब जाके कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ नहीं जो आपको ज्यादा आपको पसंद आएंगे, तो कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तरफ बढ़ते तो सबसे पहला ट्रिक मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला ट्रिक आपको करना क्या है, तो ये ट्रिक जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये जो आप देख पा रहेंगे ये जो एप्लीकेशन है, इससे क्या होगा कि अगर आप इसे अगर आप कोई म्यूजिक अगर आपके सामने अगर कोई बजता होता तो आप इसे ऑन करने के बाद जो भी आपका जो सॉन्ग है वो आप इसमें देख पाएंगे कि वो सॉन्ग कौन सा है। तो ये सबसे पहला ट्रिक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहला करना क्या है कि नॉर्मली आपको ये सर होल्ड एंड प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको विजेट मिलेगा। विजेट में जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जाना है, आपको गूगल ढूंढना है। गूगल जैसे आपको मिल जाता है, जैसे गूगल मिल रहा है तो वैसा आपको यहाँ पर आपको ये मिलेगा। इस पर आपको जोर से आपको होल्ड करना है, तो होल्ड करने के बाद ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो उसमें काफ़ी यूजफुल ऑप्शन है, यानी कि अगर आपके सामने कोई अगर कोई गाना बजता है और आपको पता नहीं है वो गाना का नाम क्या है, तो ये जो ऑप्शन है दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी मदद करेगा, आपको बताएगा कि वो कौन सा गाना है और डायरेक्टली आपको इस पेज पे ले जाएगा, तो आप वहीं से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। ट्रिक की तरफ बढ़ते तो सेकेंड ट्रिक में आपको बता देना चाहूँगा कि सेकेंड ट्रिक जो है वो स्टेबलाइजेशन के ऊपर है, यानी कि अगर आप कोई वीडियो अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो उसकी जो स्टेबलाइजेशन है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने स्टेबलाइजेशन को अच्छी बना सकते हो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो फोटोज़ है यहाँ पर जो है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। फोटोज़ में क्लिक करने के बाद जो भी वीडियो आपने बनाए होंगे, जो भी आपने रिकॉर्ड किए होंगे, वहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है उस वीडियो को अगर कोई स्टेबलाइजेशन का, तो आप देख सकते हो कि इसकी स्टेबलाइजेशन कैसी है। यहाँ पर आपको एक सेटिंग करके आपको ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग ऑप्शन के बाद आपको स्टेबलाइज आपको ऑप्शन मिले तो उसे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप स्टेबलाइज करो तो ये स्टेबलाइज होने लगेगा, थोड़ा वक्त लगता है इसे स्टेबलाइज होने के लिए, लेकिन जब ये स्टेबलाइज हो जाएगा उसके बाद में आपको दोनों की जो डिफरेंस है वो आपको मैं बता दूंगा कि कितना कुछ डिफरेंस आपको ये मिलता है। तो ऐसा आपको यहाँ पर सेव भी करना पड़ता है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी स्टेबलाइजेशन कैसी होती है, तो ये आप खुद देख सकते हो। तो ये आप देख सकते हो कि स्टेबलाइजेशन कितनी अच्छी है, पहले से बहुत अच्छी आपको स्टेबलाइजेशन आपको देखने को मिलती है। बढ़ते हैं यहाँ पर इसके थर्ड ट्रिक की तरफ। तो थर्ड ट्रिक आपको बता दूंगा, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन बार में आपको वो ऑप्शन मिलता है, यानी कि अगर आप देखोगे तो आपको आपको इन्वर्ट कलर जैसा आपको यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा, इन्वर्ट कलर है। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता तो आपको ये सिंपली आपको जो पेंसिल जैसा आपको दिख रहा है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपको यहाँ से अगर आपका होगा तो आप उसे वहाँ से आप ले सकते हो। तो दोस्तों इसका काम क्या होता है, जैसे आप इसे इन्वर्ट कलर पर ऑप्शन मिलेगा तो ये पूरा जो स्क्रीन एकदम से ब्लैकआउट जैसा, मतलब एकदम से कलर जो एकदम से उसका पूरा निकल जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कि इससे आपको फायदा क्या होता है, यानी कि अगर आप इसे फिर से क्लिक कर दोगे तो ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों इससे फायदा क्या होता है कि अगर आपको बैटरी के अगर वो ज़्यादा बैटरी अगर वो ज़्यादा देर तक आपको बैटरी अगर चाहिए होता है तो ऐसे में ये आपको ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि अगर आप कोई चैटिंग अगर आप करते हो तो और आप चाहते हो कि आपकी बैटरी थोड़ी लंबी देर तक चले तो आप इसे ऑन करके आप यूसेज चैट कर सकते हो। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे डिस्प्ले में जो RGB सेंसर लगा होता है तो वो क्या करता है, उस RGB सेंसर को अलग कर देता है कुछ देर के लिए। 50% जो आपको बैटरी है वो आपको थोड़ा आपको मदद मिलेगा इससे। तो ये भी दोस्तों एक ट्रिक था। और ट्रिक है दोस्तों ये काफी सिंपल है, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं है कि जब भी आप किसी भी अगर आप कोई भी ऐप को अगर आप एक बार होल्ड करके क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक 3D जैसा आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यानी कि वहां से आपको कोई शॉर्टकट्स वगैरह आप यहाँ पर ले सकते हो, आपको कोई अगर नंबर आपको सेव करना होगा तो ऐसे में दोस्तों आपको बहुत सारे जगह पर आपको ऐसे ऑप्शन आपको मिलते हैं। जैसे कि आपको दिखाई तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन बहुत सारे आपको मिले हैं, तो यहाँ पर से अगर आपको कोई ऑप्शन अगर आपको सेलेक्ट करना है, शॉर्टकट लेना है, तो ये भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। अपने फिफ्थ ट्रिक के तरफ, तो फिफ्थ ट्रिक है आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो का ही है, यानी कि जब भी आप कोई वीडियो अगर आप कोई अगर देखते हो तो वहां पर आपको 3 डॉट जैसा आपको ऑप्शन मिलता है, तो उस 3 डॉट दोस्तों ऑप्शन में क्या होता है, आपको ट्रिम मिलता है, यानी कि ये इससे दोस्तों क्या होता है कि अगर आपको कोई भी वीडियो अगर आपको होता है तो आप उसे एक साइज में करना चाहते हो तो आप यही से उसे ट्रिम कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ करके, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो वीडियो है आप जैसा चाहो आप वैसा आप इसे ट्रिम करते हो, यानी जो भी आपको कटिंग करना हो आप यही से आप कर सकते हो, तो ये भी ऑप्शन आपको एक बेटर मिलता है। जो इसका 6th ट्रिक है थोड़ा अलग होने वाला, यानी कि दोस्तों जब भी क्या होता है कि अगर आप कोई भी अगर आप सॉन्ग सुनते हो, आप एयरफोन लगा कर जो भी आप अगर आपको सॉन्ग आप सुनते हो तो ऐसे में दोस्तों आपको एयरफोन आपको क्वालिटी आपको काफी अच्छी मिलती है ऑडियो की, लेकिन वीडियो की क्वालिटी आपको अच्छी नहीं मिलती, बेस इफेक्ट आपको उतना अच्छा नहीं मिलता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर एक आपको सेटिंग मिली, जब आपको ये वीडियो में अगर आप जाते हो तो वहां पर आपको क्या होता है कि आप जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको 3 डॉट्स मिलता है, मतलब पहले आपको इस वीडियो को आपको प्ले करना है, उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे आप 3 डॉट्स में जाना तो यहाँ पर आपको एक ऑडियो इफेक्ट जैसा आपको मिलेगा, तो यहाँ पर से आप जो चाहे आप वहाँ पर आप सराउंडिंग जो भी आपका बेस है
यानी कि आप 3D सराउंड यहाँ पर से आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत ही बेस्ट आपको म्यूजिक का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। और आपको दूसरा ऑप्शन दिखा दो, यहाँ पर आपको स्टीरियो भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसे स्टीरियो में अगर रख दोगे तो जो स्टीरियो में इसका साउंडिंग क्वालिटी हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रीम सेटिंग भी यहाँ पर मिलता है, जिससे आप जो मैक्सिमम जो साइज़ है वो आप उसे भी वैसे आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। तो दोस्तों ये भी एक ऑप्शन है जो आपको ये हिडन सेटिंग में कहूँगा, जो कि आपको बेस्ट आपको ऑडियो के लिए आपको मिलता है। सेवन ट्रिक में आपको बताना चाहूंगा कि सेवन ट्रिक में आपको क्या होता है दोस्तों, ये एम्बियंट डिस्प्ले करके एक ट्रिक है। यानी कि दोस्तों ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं कि एम्बियंट डिस्प्ले क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा। आप डायरेक्टली आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में जाना है, सेटिंग में जाना है, वहाँ पर आपको डिस्प्ले में जाना है। जैसे ही आप डिस्प्ले पे जाओगे तो यहाँ पर आपको एम्बियंट डिस्प्ले जैसा आपको दिखेगा, उसे आप जैसे ऑन करोगे। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन, कोई मैसेज, कोई अगर आपको कोई भी ऐसा कुछ भी अगर आपको नोटिफिकेशन आपको आता है, तो डायरेक्टली आपका जो स्क्रीन है वो बंद में हल्का सा जलेगा और वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि किसका मैसेज आया हुआ है। 2 सेकंड के लिए कुछ स्क्रीन ऑन हो जाता है ब्लैकआउट में, तो वैसे में आपको ये पता लग जाएगा कि तो ये भी दोस्तों एक बेटर एक ट्रिक है। अगला ट्रिक है वो भी यहाँ पर डिस्प्ले का, यानी कि दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी किसी को दिखाई थोड़ा कम देता, तो ऐसे में को क्या होता है कि उन्हें डिस्प्ले का साइज़ है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा रखना होता है। ऐसे में आपको क्या करना, डिस्प्ले में आपको जाना है तो यहाँ पर आपको फ्रंट साइज मिलेगा। यानी कि जब भी आपको कोई किसी को दिक्कत होती है देखने में, तो अगर आप बड़ा डिस्प्ले चाहते हो तो ऐसे में दोस्तों आप इसे नॉर्मल से आप बड़ा डिस्प्ले साइज आप कर सकते हो। जैसा कि वो दिखा देता हूँ तो आप देखोगे तो आप डिस्प्ले का जो साइज़ है वो एकदम से बढ़ चुका है। और अगर आप इसे फिर से नॉर्मल पे लाना चाहते हो तो आप वहीं पर आप उसे फिर से ला सकते हो। तो दोस्तों ये भी एक दोस्तों एक ट्रिक था कि बेटर ट्रिक है जो कि आपको शायद नहीं पता होगा। जो ट्रिक है यानी कि दोस्तों ये उन लोगों के लिए जिनको ज़्यादातर इंग्लिश का प्रॉब्लम होती है, यानी कि जिनको इंग्लिश में पढ़ने में इतना उनको समस्या होती है, इनको वर्ड्स वगैरह नहीं पता होता। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि आपको ऐसा एक मिलता है स्पीक, सेलेक्ट टू स्पीक करके आपको ऑप्शन मिलता है। आपको एक्सेसिबिलिटी में आपको जाना पड़ता है, एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट टू स्पीक करके आपको ऑप्शन मिलता है। दोस्तों जैसे आप इसे ऑन करोगे तो क्या होगा कि अगर किसी को पता नहीं, अगर आपने किसी को अगर आपने कह दिया कि आपको कुछ ऑन करना है, व्हाट्सअप ऑन करना है या कुछ भी, तो उन्हें पता नहीं होगा कि क्या है, उनको शायद इंग्लिश नहीं पता, तो यहाँ पर से वो पता लगा सकते हैं। यहाँ पर से उन्हें जैसे यहाँ पर उन्हें क्लिक कर दिया, यहाँ पर आपको इसे जो ऑन कर देना है, यहाँ पर से जो दिख रहा है तो आपको देख कर खुद सुन सकते हो। तो ये खुद आपको ऐसा बता देगा सब कुछ, तो देखा ऐसा ये काम करता है, काफ़ी बढ़िया है। यानी कि इसके भी मदद से आप अपने फ़ोन को, अगर जिसको पता नहीं है, कोई बुजुर्ग होगा तो उसे भी ऐसा पता लग सकता है क्या कुछ क्या है। ठीक है, अब जो उसके बाद वाला दोस्तों जो ट्रिक है ये भी एक्सेसिबिलिटी में ही होता है, यानी कि आपको हाई कॉन्ट्रास्ट करके आपको एक ऑप्शन मिलता है। दोस्तों मैं बता चाहूँगा जो हाई कॉन्ट्रास्ट होता है ये क्या होता है, जब भी आप हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट पे अगर आप करते हो तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है किसी को जो वर्ड्स में पढ़ने में कोई दिक्कत होती है, यानी कि जिसकी जो लाइट होती है कहीं ना कहीं आपकी रोशनी को थोड़ा तकलीफ देती है, तो उसके लिए दोस्तों ये निकाला। इसमें आपको वर्ड्स आप देखोगे तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट है आपको काफ़ी आपको अच्छी मिलेगी, तो इससे आपकी आंखों को तकलीफ ज़्यादा नहीं होगा किसी भी चीज़ को देखने के लिए। तो ये ट्रिक भी दोस्तों आप आजमा सकते हैं, भी काफ़ी बढ़िया ट्रिक है। अगला ट्रिक है यानी कि दोस्तों मैं बता चाहूँगा कि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि स्मार्ट है ना, और ये स्मार्टफोन में दोस्तों यहाँ पर आपको OTG सपोर्ट आपको मिलता है। तो OTG सपोर्ट से दोस्तों क्या होता है कि OTG सपोर्ट से आप कई सारी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, आप अटैच कर सकते हो, जैसे कि पेन ड्राइव, आपको पता होगा पेन ड्राइव से आप कोई भी चीज़ आप चाहे जो प्रोफाइल इमेजेस आपको लेना है डाउनलोड कर आप देख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको यहाँ पर स्मार्टफोन में अगर आपको टाइपिंग स्पीड करना तो आप कीबोर्ड भी अटैच कर सकते हो, तो उसका भी मैंने यहाँ पर आई बटन में मैंने दिया, आप जाके देख सकते हो वीडियो के कैसा आपको यहाँ पर स्मार्टफोन आपको कैसे आपको कनेक्ट करना है, कैसे आप अपने टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हो। उसके साथ अगर आप कोई फैन अगर आप नॉन इलेक्ट्रिक फैन अगर आप लेते हो तो उसे भी आप डायरेक्टली OTG के सपोर्ट के थ्रू आप इसे भी अटैच कर सकते हो। तो उसके बारे में भी मैंने इसका वीडियो बनाया है, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों ऐसा आपको ये आपको ऐसा काम आता है। दूसरा दोस्तों सबसे जो मेन जो सबसे जो काम है, यानी कि अगर आपके पास कोई अगर आपके पास पावर बैंक नहीं होता तो ऐसे में क्या होता है कि आपको ये काफ़ी काम है, अगर आप अपने OTG से केबल अगर इसे लगाते हो, अगर आपका कोई फ़ोन का चार्जिंग काफ़ी कम होता है तो ऐसे में आप इस फोन से उसे चार्ज भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा ट्रिक है दोस्तों यहाँ पर OTG सपोर्ट का। हमारे लास्ट ट्रिक की तरफ जो कि है गूगल असिस्टेंट, आपको पता ही होगा कि गूगल असिस्टेंट बहुत सारे स्मार्टफोन में होते हैं, स्पेशली स्टॉक एंड्रॉइड में सबसे ज्यादा होता है। तो आपको यूजुअल आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको जो होम बटन यहाँ पर दिख रहा है उसको आपको लॉन्ग आपको प्रेस करना है। तो जैसे आप उसे प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको आएगा, तो यहाँ पर आप जो भी आप बोलोगे वो सब यहाँ पर दिखाया जाएगा जो भी आप बोलने वाले हो। तो अगर आपको कोई सर्च करना होगा, अगर आपको लिखने में या फिर आपको कोई नॉलेज वगैरह आपको चाहिए होता तो आप गूगल से यहाँ पर चैट भी कर सकते हो, तो गूगल इसका रिप्लाई भी करता है।
जैसे कि आप देखोगे तो आप ये गूगल, लेकिन यहाँ पर नेट ऑल ऑन नहीं है कि इसलिए ये नहीं बात कर पा। तो ये भी एक सेटिंग है दोस्तों, ये भी काफ़ी बढ़िया दोस्तों। अगर आपको कोई खोजना होता है और आपको ऐसे में टाइप करने में दिक्कत होती है तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया हो, 10 और इनके टिप्स एंड ट्रिक्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होगी। और ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊँ, ये आपके काम में बहुत काम आएगा। आपको बहुत सारे ऐसी मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जो आपकी रोजाना काम में काम आ सकता है। अब जो भी अगर आपको कोई शॉर्टकट्स वगैरह, मतलब बहुत सारे ऐसे जो होते हैं हिडन ट्रिक जो होते हैं, जो हमको पता नहीं था, वो मैं आपको बता दिया। एक्चुअली आप ये जो फ़ोन है वो स्टॉक एंड्रॉयड पे है, लेकिन स्टॉक एंड्रॉयड के भी कुछ ना कुछ तो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, अन्य सब्सक्राइब भी करना, जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी साथ में प्रेस करना। तो मिलता है आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।